हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एक लास्ट वीडियो और बनाया था हमने द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड, इसमें भी हमने सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। मतलब इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। राइट, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर के ओवर द सिलिंड्रिकल रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू एच। राइट, हमें इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ के लिए, इस सिलिंड्रिकल रीजन के लिए, इस सरफेस के लिए हमें इसको वेरीफाई कराना है डाइवर्जेंस थ्योरम को। राइट, तो पहले हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम का वेक्टर फॉर्म को हम लिख लेंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम का वेक्टर फॉर्म हमारा क्या है, प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस इज, ये होती है हमारी सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। एफ क्या होता है, वेयर एफ हमारा होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन और एन हमारा होता है यूनिट वर्ड आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, लेकिन आउटवर्ड बाहर साइड में। राइट, अब देखिए वेयर हमारा बी क्या है, वेयर वी इज द वॉल्यूम enclosed by the surface S, right? हम क्या करेंगे, वेरीफाई हमें कराना है इस क्वेश्चन में, हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई कराना है। राइट, तो पहले हम फाइंड करेंगे RHS, राइट हैंड साइड, फिर हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो राइट हैंड साइड हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। राइट, तो एफ हमारा कितना है, हियर एफ इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर के। तो इसके लिए पहले हम डाइवर्जेंस हम फाइंड कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारा होगा डेल डॉट एफ। अब डेल को हम क्या बोलते हैं, डेल को हम बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको हम डेल और नेवला दोनों ही नाम से जानते हैं। राइट, डेल जो होता है हमारा वो इक्विवेलेंट होता है डेल ओवर डेल एक्स आई डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के डॉट। वेक्टर एफ है हमारा वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर के। राइट, अब देखिए हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। राइट, अगर मैं आई का आई के साथ करूंगा तो वन आएगा, आई का जे के साथ जीरो, आई का के साथ तो जीरो। तो हम इस y को ऑपरेट कराएंगे यहाँ पर, तो ये हमको मिल जाएगा डेल ओवर डेल x ऑफ y प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ x प्लस डेल ओवर डेल z ऑफ z स्क्वायर। राइट, अब देखिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही हमारा वेरिएबल होगा, बाकी वेरिएबल जितने भी हमारे वेरिएबल होंगे वो सब कॉन्स्टेंट। तो y का हम विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियल, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। x का विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल जीरो, और z का विद रेस्पेक्ट टू z हो जाएगा हमारा 2z। इट मींस डाइवर्जेंस ऑफ f हमने फाइंड कर लिया, 2z हमने फाइंड कर लिया डाइवर्जेंस ऑफ f। इस रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं। राइट, डाइवर्जेंस ऑफ f फाइंड कर लिया, अब हम क्या करने वाले हैं यहां पर, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना फाइंड किया हमने, डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड किया हमने 2z, और डी बी हमारा होता है डी एक्स डी वाई डी जेड। यहां पर एक पॉइंट आपको समझना होगा कि x और y की लिमिट मैं नहीं लिखने वाला हूं, सिंबॉलिकली मैं लिखूंगा, लेकिन z की लिमिट जो मैं अप्लाई करूंगा, x और y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट, तो जेड की लिमिट में यहां पर लाऊंगा
तो हमने x की लिमिट मान ली क्या x1 टू x2 है, और y की लिमिट हमने मान ली क्या y1 टू y2 है, लेकिन z हमें क्लियर मालूम है कि 0 से h तक रन कर रहा है, 0 टू h, ये हमको मिल जाएगा 2z dx dy dz, राइट। अब हम z के रेस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे, x1 टू x2 y1 टू y2, ये हमें मिल जाएगा 2z स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमें मिल जाएगा 0 टू h dx dy, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले रखेंगे हम अपर लिमिट को जो कि हमारा कितना है h, तो ये हमें मिल जाएगा h स्क्वायर माइनस 0, मतलब h स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा x1 टू x2 y1 टू y2, और h स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया dx into dy, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे ये हम फाइंड करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने पर, राइट, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। देखिए इसको हम समझ लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो पहले मैं आपको यहाँ पर एक पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आइडिया हम दे देते हैं, राइट। अगर हमें एक्स और वाई की लिमिट निकालनी है तो हम निकालेंगे इस सरफेस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, एक सर्कल, क्या है, सर्कल। इसका रेडियस कितना है भाई, रेडियस हमें मालूम है इसका है ए, राइट। तो जब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, पोलर फॉर्म में, तो हमें पुट करना होगा एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म के लिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं क्योंकि हमारा सर्कल है, तो सर्कल के लिए जो हमारा आर रन करता है जीरो टू रेडियस मीन्स जीरो टू ए तक आएगा, और जो सर्कल के लिए जो थीटा रन करेगा वो हमारा होगा जीरो टू टू पाई, राइट। और साथ साथ डी एक्स और डी वाई का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा आर डी थीटा डी आर, तो आर तो हमारा रन करेगा जीरो टू रेडियस, रेडियस कितना ए, और थीटा हमारा रन करेगा जीरो टू टू पाई। बस ये सारे पॉइंट्स हमें याद हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, तो हमारा आर रन करेगा जीरो टू ए, और थीटा रनिंग फ्रॉम जीरो टू टू पाई, और डी एक्स डी वाई का वैल्यू हमें मिल गया आर डी थीटा डी आर। अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट और, कि हमारा यहाँ एच स्क्वायर भी तो बाहर है, तो एच स्क्वायर को और लिख लेंगे हम यहाँ पर, एच स्क्वायर भी तो हमारा बाहर रखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन हमें कन्वर्ट होके मिल जाएगा, आर का लिमिट आएगा जीरो टू ए, और थीटा हमारा रन गया जीरो टू टू पाई आर डी थीटा डी आर, राइट, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। तो पहले आर के रेस्पेक्ट में कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, आर रनिंग फ्रॉम जीरो टू ए, आर थीटा हो जाएगा थीटा जीरो टू टू पाई, और यहाँ मिल जाएगा डी आर, तो यहाँ से टू पाई हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पाई एच स्क्वायर, और यहाँ से टू पाई मिल गया ये, अब आर का करेंगे तो आर स्क्वायर बाई टू और जीरो टू ए, मतलब कंप्लीट जो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा टू पाई एच स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी हमको मिल गया पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। ये हमने फाइंड कर लिया, ये क्या हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट। एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है हमारा, क्लियर हमें दिखना चाहिए, यस। तो ये हमने देखिए राइट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया डाइवर्जेंस थ्योरम की, अब हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमें थोड़ा सा हमें स्ट्रेस देना होगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान से हमें देखना होगा, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है डाइवर्जेंस थ्योरम का, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी, वो हमें मिल गया पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। देखिए इसको मुझे रफ करना होगा, देखिए अब हम क्या फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, इसे मैं कंप्लीट अप करने वाला हूँ, राइट, क्योंकि हमने इसका यूज कर लिया,
देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, एफ डॉट एन डी एस हमें फाइंड करना है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस देना होगा, समझना होगा कि ये हमारा सरफेस है क्या। वैसे तो इन्होंने क्लियर बोल दिया है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल रीजन बाउंडेड बाय द, ये है हमारा सर्कल जिसका रेडियस है ए, पहली बार। और ये जो सर्कल है वो रन कर रहा है जीरो टू एच तक, जिसमें जेड हमारा रन कर रहा है जीरो टू एच तक। तो जब हम इस सर्कल को जीरो टू एच तक रन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर। अब सिलेंडर में हमें समझना है कि कितने फेसेस होंगे वहां पर, फेस बोल सकते हैं पर सरफेस होंगे हमारे, पृष्ठ कितने होंगे वहां पर, कितने पृष्ठ हमारे बनेंगे, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं क्या, एक सिलेंडर, राइट। ये हमने बना लिया सिलेंडर है, मान लीजिए ये है आपका सिलेंडर, राइट। और इसमें आप ध्यान से देखिए और जरा बताइए कि कितने फेसेस हमारे यहाँ पर हैं, हाउ मैनी फेसेस आर देयर। ये मान लीजिए क्या आपका एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर देखेंगे तीन फेस, पहला बॉटम, बॉटम में क्या हमारा ये हमारा एक सर्कल है पहला फेस, और इसका इक्वेशन क्या है हमारा जेड इक्वल टू जीरो प्लेन से पास हो रहा है, तो इस सर्कल के लिए जेड हमारा जो होगा वो जीरो होगा। वैसे तो ये क्या हमारा सर्कल है, लेकिन सर्कल में जेड का वैल्यू क्या होगा जीरो, और इसको हमने नाम दे दिया क्या सरफेस एस पर। सेकंड टॉप वाला हमारा सर्कल, टॉप वाला इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारा जो जेड होगा वो हमारा होगा कितना एच, जेड इक्वल टू एच, और इस सरफेस को नाम दे दिया हमने क्या एच टू। और जो थर्ड हमारा जो सरफेस है वो हमारा है ये वाला, इसका कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड मींस मुड़ा हुआ वाला जो भाग है ये वाला। जब हम किसी भी सिलेंडर को जब हम देखते हैं, तीन फेसेस हम इसमें देखते हैं, तीन सरफेस हम इसमें देखते हैं, टॉप सर्कल, बॉटम सर्कल, और एक ये मुड़ा हुआ पार्ट, इसको हम बोलते हैं सी एस ए, क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हमने इसको नाम दे दिया क्या एस थ्री। और इसका इक्वेशन क्या होगा, ये कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू एक्स तक, राइट। ये हमारा क्या सरफेस एस थ्री। इन तीनों के लिए हमें अलग अलग निकालना होगा, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा इस सरफेस कंप्लीट एस के लिए है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, तीन पार्ट्स में हम अलग अलग ब्रेक कर देंगे। पहला सरफेस इंटीग्रल एस वन एफ डॉट एन डी एस, सेकेंड सरफेस एस टू के लिए एफ डॉट एन डी एस, और थर्ड है हमारा सरफेस एस थ्री के लिए एफ डॉट एन डी एस। आप चाहें तो इन तीनों का वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं या फिर एक साथ में निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम सिस्टमेटिक से चलेंगे तो, राइट। तो मैं एक साथ ही निकालने वाला हूँ, इसमें ध्यान के देना है, हर सरफेस के लिए हमें फाइंड करना होगा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड। इसका मीनिंग क्या, सरफेस एस वन के लिए जो हमारा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा जेड की नेगेटिव डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा माइनस के, इसके लिए क्या होगा प्लस का के, और इसके लिए इस सरफेस एस थ्री के हमें फाइंड करना होगा, सरफेस एस थ्री के लिए हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, इस सरफेस एस वन के लिए जेड जीरो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन हमारा माइनस के हो जाएगा, इस सरफेस के लिए जेड इक्वल टू हमारा कितना होगा एच, और साथ साथ एन हमारा होगा के, और इस सरफेस के लिए हमारा जो कंप्लीट जो हमारा सरफेस है ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू एच, और इसके लिए जो नॉर्मल है वो हमें फाइंड करना होगा। इसको मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, ये आप इसको साइड से दिखा सकते हैं या फिर नीचे करते जाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझने क्या कि हम आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस प्रकार फाइंड करेंगे, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इसका हमारा तरीका होता है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ग्रेड एफ, तो ग्रेड एफ हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम निकालने वाले क्या ग्रेड ऑफ एफ, ग्रेड एफ, अच्छा इसमें एफ क्या होगा, एफ हमारा होता है एक्स वाई जेड, जो हमारा कर्व्ड है वो सरफेस है उसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को बदल लिया, ये जेड हमारा जो है कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो हमें ग्रेड एफ हमें फाइंड करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा
ग्रेड एफ, ग्रेड कितना होता है हमारा डेल, हम इसको बोलते हैं डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के, और इस पर हम ऑपरेट कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पर जब हम ऑपरेट कराएंगे यहाँ पर एक्स के रेस्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा टू एक्स आई, वाई का जीरो और ए का जीरो, वाई के रेस्ट में करेंगे तो टू वाई जे, और जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा जीरो के। ग्रेड ऑफ हमने फाइंड कर लिया, तो ग्रेड ऑफ एफ हमारा आ गया टू एक्स आई प्लस टू वाई जे, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि हम निकालने वाले हैं नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा हमारा, वेक्टर होगा हमारा डेल एफ ग्रेड ऑफ एफ ओवर ग्रेड एफ का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए कितना आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो ये हमारा आएगा टू, हमारा बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट हमें मिल जाएगा, तो टू हम कॉमन ले लेंगे कैंसिल कर देंगे, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का वैल्यू कितना है हमारा ए स्क्वेयर, मीन्स इसका वैल्यू हमें ए हमें मिल जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा ए, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन ए। ये हमने फाइंड कर लिया सरफेस एस थ्री के लिए यूनिट नॉर्मल वैक्टर हमारा आ गया, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वैक्टर एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन ए, राइट। अब हमें समझना क्या है, हमें सरफेस S1 के लिए F डॉट n, सरफेस S2 के लिए F डॉट n और सरफेस S3 के लिए F डॉट n निकालना होगा। F हमारा तीनों के लिए सेम रहेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने तीनों के लिए निकाल लिया, तो हम F डॉट n निकालने वाले हैं फॉर सरफेस S1, फॉर S1, फॉर S1। अब S1 के लिए क्या होगा भाई हमारा, S1 के लिए होगा हमारा F डॉट n इज इक्वल टू, F तो हमारा सेम रहेगा वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वेयर के डॉट माइनस के, तो ये हमारा हो जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस का, और जेड कितना है इसके लिए सरफेस एस वन के लिए जीरो, तो एफ डॉट एन हमारा जाएगा जीरो सरफेस एस वन के लिए। सरफेस एस टू के लिए कितना मिलेगा हमको, तो एफ डॉट एन हमको मिल जाएगा वाई आई आएगा ये हमारा प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वेयर के डॉट के, तो ये हमको मिल जाएगा जेड स्क्वेयर, और इस सरफेस एस टू के लिए जेड है हमारा एच, मीन्स एच स्क्वेयर हमें मिल जाएगा ये, राइट। थर्ड हमें सरफेस एस थ्री के लिए, और सरफेस एस थ्री तो हमें एफ डॉट एन हमें मिल जाएगा, एफ डॉट एन इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वेयर के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन ए, और ये हमको मिल जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस जीरो वाई ए, मीन्स टू एक्स वाई अपॉन ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमको करना क्या है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। तीनों एफ डॉट एन का वैल्यू सरफेस एस वन के लिए, सरफेस एस टू के लिए और सरफेस एस थ्री के लिए यहाँ हम पुट कर देंगे, तीनों के लिए एफ डॉट एन का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए नीचे बढ़ते हुए जाना है, सेम करते जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है तो हमें रफ करना होगा, राइट। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये जीरो है, ये हमारा एच स्क्वेयर है, और इसके लिए हमारा है टू एक्स वाई अपॉन ए, टू एक्स वाई अपॉन ए, राइट। ये क्लियर होना चाहिए एकदम, ये हमारा एकदम क्लियर हमारा माइंड में होना चाहिए। थोड़ा सा और ध्यान देना है केवल आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान और देना होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इस सरफेस के लिए हमारा कितना आया जीरो डी एस, इस सरफेस के लिए हमें मिल गया एस टू के लिए एच स्क्वेयर डी एस, राइट। और इस सरफेस एस थ्री के लिए हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल गया। देखिए मैं आपको ऐसे एक चीज बताऊँ कि हमारा जो ये जो लोअर सर्कल है बॉटम वाला, इसके लिए यहाँ पर जेड इक्वल टू तो जीरो होगा, लेकिन बॉटम में साथ साथ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर होगा इसका इक्वेशन, क्योंकि बॉटम में जेड जीरो होगा लेकिन साथ साथ सर्कल भी तो बनना है। वो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और सेम इस सर्कल के टॉप के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका जो यहाँ पर जेड होगा वो एच होगा, राइट। देखिए
इसके लिए हमें क्या समझना है, यहाँ पर सरफेस एस थ्री के लिए हमें मिल गया टू एक्स वाई अपॉन ए और यह गया डी एस, राइट। तो इसके लिए जो इक्वेशन था वैसे हम इसके बारे में लिखें तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा जेड इक्वल टू जीरो, और इसके लिए क्या आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और साथ साथ जेड इक्वल टू एच मिलता हमें, क्योंकि ये हाइट एच पर है ना, ये सर्कल ये जीरो पर है, तो कंप्लीट इक्वेशन इसका ये आता। और इसका अगर हम निकालें तो इसका ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इस कर्व पार्ट के लिए जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू एच तक, जेड जीरो से एच तक आएगा ना, कोई बॉटम के लिए जेड जीरो प्लस सर्कल जेड एच प्लस सर्कल, लेकिन ये इसके लिए सर्कल कहाँ से कहाँ तक जीरो से एच तक कंप्लीट, राइट। ये थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी हमारा होनी चाहिए, राइट। अब हमने ऐसा क्यों किया भाई, ऐसे इस बात को हम क्यों बता रहे हैं, वो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये तो हमारा हो गया जीरो, किसी भी जीरो का इंटीग्रल क्या होता है जीरो, यहाँ से हमारा एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये सरफेस किसके लिए है एस टू के लिए, और एस टू क्या है, एस टू हमारा क्या है एक सर्कल, कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, जिसका रेडियस कितना है ए, इसका मीनिंग क्या होता है डी एस का मीनिंग क्या है एस आएगा हमारे यहाँ से इंटीग्रल, इसको भी हम बता दे रहे हैं, इसको हम पहले बता दे रहे हैं, तो ये आएगा एच स्क्वायर और इसका मीनिंग हो जाएगा एस, वेयर एस क्या हमारा, वेयर एस इज द एरिया ऑफ सरफेस एस टू, वेयर एस क्या होगा हमारा एस इज द सरफेस, मैं लिख नहीं रहा पर एस क्या होगा हमारे एरिया ऑफ सरफेस एस टू, और एस टू का एरिया कितना होगा वो सर्कल है हमारा, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा पाई ए स्क्वायर, मीन्स ये हमको मिल गया ए स्क्वायर पाई एच स्क्वायर, राइट। अब यहां पर मैं क्या समझाने वाला हूं आपको, देखिए इतना समझ, इसका जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे इस सरफेस एस थ्री के लिए वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट से, राइट। देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग हमारे सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आइडिया में दे रहा हूँ। देखिए वैसे जो आप मानना चाहें तो इस प्रकार मान सकते हैं कि अगर हमारे सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे ये होंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, या फिर फाइव मान सकते हैं आप यहाँ पर, वरना आपको पोलर जैसा लगेगा, पोलर कोऑर्डिनेट है हमारे, और z इक्वल टू होता है हमारा z। कुछ बुकों में इस r को u बना दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, x इक्व टू यू कॉस फाई, y इक्व टू यू साइन फाई और z इक्व टू जेड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या है z इक्व टू जेड, और z क्या हमारी हाइट, सिलेंडर की हाइट ही तो होगी भाई, कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है जीरो से एच तक, पहली बात, राइट। अब मान लीजिए हमें ये समझना है कि इस ds का वैल्यू क्या होगा, इस ds का वैल्यू सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, ये हमें थोड़ा समझना है। यहाँ पर मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, देखिए समझना क्या आपको कि हमारा सिलेंडर का जो s हमारा क्या है, हम बात कर रहे हैं s हमारा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्या हमारा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर का सिलेंडर कितना होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। अब इस h को आप z मान सकते हैं क्योंकि हमारा हाइट कितना है हमारा यहाँ पर z है ना, तो h को आप मान सकते हैं z, मान सकते हैं। एक और बात समझ लीजिए, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और मैं इससे कंपेयरिंग करूं तो आर कितना आएगा हमारा a। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा रेडियस है इस सर्कल का वो हमारा कॉन्स्टेंट है, फिक्स है a, राइट, फिक्स है हमारा, तो 2 पाई आर एच, तो यहां पर जो हमारा आर है वो ए है और ये हमारा कैसा है फिक्स, ये हमारा कैसा है फिक्स, राइट। तो इसको हम लिख देंगे अभी, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इस प्रकार लिखेंगे s इक्व टू टू पाई को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जीरो टू टू पाई डी फाई, टू पाई डी फाई, r हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई, और h है हमारा ये, h को हम z लिख सकते हैं क्योंकि z है हमारे यहाँ पर हाइट, तो हम लिख सकते हैं जीरो टू z और ये डी z। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको समझ जाएं कि हम यहाँ पर ds की जगह हम क्या लिखेंगे जब हम सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर मैं s को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ ds, यही तो हमने s लिखा था यहाँ पर, राइट, वेयर s क्या है हमारा, s इज द सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो हम अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई आर डी जेड। अगर मैं मुझे इसका सरफेस निकालना है तो मैं r को, फाई को तो जीरो से टू पाई तक रन करा दूँ, और जेड को
जहां से आप आपको मान लीजिए जीरो से एस तक रन कराना तो जीरो से एस तक रन कराइए, अगर आपको हाइट एस चाहिए जीरो टू फाइव तो जीरो टू फाइव, जीरो टू टेन तो जीरो टू टेन, जो भी हमें चाहिए तो हमें यही तो मिल जाएगा। तो हम यहां पर डीएस को हम पुट करेंगे क्या, डीएस इज इक्वल टू आर डी फाई डी जेड, आर डी फाई डी जेड। इसको आप कई क्वेश्चन है हमारे बुकों में, आप इसको याद कर लीजिए, डीएस का वैल्यू ये होगा और फिर आर हमारा फिक्स होगा, आर कितना है ए 16 है तो 4 होगा, 4 है तो 2 होगा, तो हम यहाँ पर जो ds पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे a d phi d z, और phi रन करेगा 0 टू 2 pi और z रन करेगा 0 टू z, लेकिन यहाँ पर करेगा 0 टू h, जहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है राइट। तो बस यही हम करने वाले हैं यहाँ पर, और x की जगह कितना पुट करेंगे, एक चीज़ इस पॉइंट को समझ लीजिए, r तो हमारा a है तो यहाँ पर हम पुट करेंगे r का वैल्यू, x का वैल्यू a cos phi, y का वैल्यू a sin phi, x a cos phi, y a sin phi, ds a d phi dz। इसको समझ गया तो क्वेश्चन में हमारा कुछ भी नहीं है, बस इतना सी बात है भाई, इतनी सी बात है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया राइट, ये हमारा क्या सरफेस s3 प्लस, इसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल, फाई हमारा कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है 0 टू 2 पाई, और हमारा जो जेड था वो रन करेगा 0 टू एच, टू एक्स कितना है ए कॉस फाई, वाई कितना है ए साइन फाई, और ए हमारा ये रहा और डी एस हमारा था ए डी फाई डी जेड, तो एक ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, टू ए स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हैं, टू ए स्क्वायर यहाँ पर केवल ए स्क्वायर बाहर निकालिए, और ये हमें मिल जाएगा 0 से 2 पाई 0 टू एच, टू कॉस फाई साइन फाई ये हमारा हो जाएगा साइन टू फाई, और डी फाई और ये डी जेड क्लियर, प्लस ए स्क्वायर बाहर। तो हम पहले कर लेते हैं फाई के एच के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये हम इंटीग्रल सॉरी, तो साइन टू फाई तो एच के रेस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा जेड मतलब 0 टू एच डी फाई, यहाँ से एच हमारा बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर एच 0 टू 2 पाई साइन 2 फाई डी फाई राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर पाई प्लस ए स्क्वेयर एच, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 फाई अपॉन 2 0 टू एच 2 पाई, तो ये हमको मिल जाएगा पाई ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में हमको मिलेगा ये कितना 2 पाई रखेंगे तो कॉस 2 पाई कितना होता है 1, तो माइनस का 1 बाई 2 राइट और जब हम यहाँ पर रखेंगे जीरो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये हमारा जीरो हो गया और हमें मिल गया पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें जो राइट हैंड साइड मिला, मतलब ये जो मिला हमें सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, ये हमको मिल गया पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर, और यही हमें क्या मिला था राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल हो गए दोनों राइट, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल हो गए। इसका मीनिंग ये हो गया हमारा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, और यही क्या था हमारा दोनों साइड इक्वल आ गए, और ये कितना है पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर, हेंस द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ कॉस इज वेरीफाइड। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ, थोड़ा सा हमें समझना था यहां पर भाई पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस प्रकार चेंज करेंगे, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस प्रकार चेंज करेंगे, और ये सरफेसेस के बारे में। राइट हैंड साइड को निकालना थोड़ा इजी था, लेफ्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना था। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।